हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 40 न्यू फ़ोन है, तो मोटो एज 40 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में ओवर हीट प्रॉब्लम्स को आप कैसे ठीक कर सकते हैं और ओवर हीट प्रॉब्लम्स को कैसे आप ठीक कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और आपका फ़ोन हीट करता है तो आप कैसे ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर पाएंगे फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन से आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ से आप अपने फ़ोन में ओवर हीट प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर आपका फ़ोन है ओवर हीट हो रहा है, फिर गर्म हो रहा है, तो आप कैसे ठीक कर पाएंगे ओवर हीटिंग प्रॉब्लम्स को। तो सिंपली देख सकते हैं कि आपको स्लाइड करना है, और स्लाइड करते ही अपने फ़ोन की जो भी हीटिंग की प्रॉब्लम्स है आप सॉल्व करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं सेटिंग्स पे जाना है, जिस पे जाकर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन को हीट होने से ठीक कर सकते हैं। तो आप देखते हैं सबसे पहले तो वाईफाई पे जाना है, और वाईफाई ऑन है तो ऑफ़ कर देना है। फिर उसके बाद आपके पास ना डिस्प्ले, डिस्प्ले में जैसे ब्राइटनेस आपकी फुल हो रखी है तो हम इसको मीडियम कर देंगे, जिससे आपको जो फ़ोन है हीट नहीं करेगा, कम से कम हीट करेगा। फिर उसके बाद आपको बैक करते हुए जाना है आपको बैटरी पे, तो बैटरी पे चले जाना है। बैटरी पे जाकर सेवर मोड का भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और अपने फ़ोन को हीट भी कर नहीं पाएंगे। देख सकते हैं कि आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, सेवर पे सेवर मोड ऑन कर देना, जिससे आपका सेविंग मोड ऑन हो जाएगा, जिससे आपकी बैटरी है सेव होने लगेगी और आपका हीटिंग टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। और बैटरी मैनेजर को भी यहाँ से ऑन कर देना, जिससे आपके फ़ोन का बैटरी मैनेजर ऑफ हो जाएगा और हीटिंग का टेम्परेचर भी कम होने लगेगा। तो इस तरीके से हीटिंग की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं फ़ोन में, और हीटिंग की प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।